परासिया में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हनुमान मंदिर को क्षति पहुंचाई और मूर्ति को तोड़ दिया, जिससे नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को ज्ञापन दिया और आरोपियों को तत्काल पकड़ने की मांग की। कोसमी के समीप बने हनुमान मंदिर को कुछ अज्ञात लोगों ने रात के समय क्षति पहुंचाते हुए मूर्ति को तोड़ दिया, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी जगह इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इन सभी घटनाओं से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है और मंदिर को क्षति पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों को पकड़ा नहीं गया तो वो इसको लेकर कठोर कदम उठाएंगे। हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदुत्व संगठनों के द्वारा, जैसा कि कोसमी मंदिर के पास श्री पंचमुखी हनुमान दादा जी का एक दरबार है, मंदिर है, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या अधर्मी जिन्होंने मंदिर को तोड़ा है और साथ ही हनुमान दादा जी की जो मूर्ति थी उसे भी खंडित की गई है। ऐसी घटना परासिया नगर में लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई मंदिरों में, चाहे वो खिड़सड़ों के मंदिर हो, कोसमी के आसपास जितने भी मंदिर है, उसमें लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इसकी घोर निंदा करता है। आज बजरंग दल के माध्यम से SDOP महोदय को TI साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।